तू मिल गइलू हमके दया कैले भगवन। अपना माई बाप के सेवा में लगल रहेला, माई है धरती बाबूजी हवे आसमान हो। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबुआ विकास जी, जो सिंगर हैं। आप लोग इनका वीडियो देखे ही होंगे, पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो आया है। और मैं बता दूं, इन्होंने कहा था कि मैं अश्लील गाना नहीं गाऊंगा, साफ सुथरा गाना गाऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल में ही इनका एक अश्लील गाना आया है, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें बुलाऊं और इनसे बात करूं। बताइए कैसे हैं सबसे पहले आप? हम भी ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आपने कहा था कि अश्लील गाना नहीं गाएंगे, फिर आपका अश्लील गाना कैसे आ गया? नहीं, जब बोले थे उसके बाद अश्लील नहीं आया है, तीन चार वो गाना भटक गए, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अश्लील नहीं गाएंगे हम। तो आपका एक इधर गाना आया था, वो गाना का क्या बोल था, एक बार गुनगुना दीजिए। तो अभी तो एक फिलहाल अभी कल रिलीज होने वाला है, वो गुनगुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। तू मिल गइलू हमके दया कैले भगवन, मन्नते भइल पूरा हमार मंगनी जवन, बिता दे उमिरिया तोहरे पहरा में, हमर माई वाला गुण झलके तहरा में। कहाँ हुई अश्लील? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारा गाना है। अच्छा, इधर जो है एक और आपका गाना आया है फरिश्ता मूवी में, जो फरिश्ता फिल्म आ रही है खेसारी लाल जी की, उसका एक गाना आपने गाया है, जो कि मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक को वो गाना गुनगुना कर सुना दीजिए। उसमें दो गो गाए हैं, अभी एक गो टीजर में आया है। अपना माई बाप के सेवा में लगल रहेला, अपना माई बाप के सेवा में लगल रहेला, एक दुनिया पागल कहेला, हाँ एक दुनिया पागल कहेला। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गाना है। मैं बता दूँ, इसका बोल जो है बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। और वो जो दूसरा गाना आया है आपका, तो क्या वो भी गुनगुना सकते हैं या फिर नहीं, जो दूसरा और आपका जो बोले टीजर में है? अच्छा, टीजर में नहीं, वो अभी नहीं गुनगुना। चलिए कोई बात नहीं, और कोई मेरे एल्बम का बोलिएगा तो जितना साफ सुथरा आ रहा है सब गुनगुना देंगे, क्योंकि अच्छा कोई साफ सुथरा गाना अच्छा सब बता दे रहे हैं कि साफ सुथरा अगर पहले गा भी दे रहे हैं आने से तो कोई उठा के गाएगा नहीं, क्योंकि साफ सुथरा कोई गा नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, एक माँ पे गाना है, माँ पे दो तीन गाना गाए फिलहाल में, देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका कॉपी कोई कर ले। नहीं उठाएगा लोग, साफ सुथरा कोई गाएगा ही नहीं, देखिए रिलीज होने से पहले बता रहे हैं हम। माई है धरती बाबूजी हवे आसमान हो, माई है धरती बाबूजी हवे आसमान हो, दुनिया में माई बाबू दूसरा भगवान हो, माई है धरती बाबूजी। अच्छा, देखती हूँ कि आप मम्मी और पापा को लेकर के कुछ ज़्यादा गाना गाते हैं, और ऐसे तो सबको अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन इनका मैं कभी स्टेटस वगैरह भी देखती हूँ तो मिस यू मम्मी, मिस यू पापा ऐसे लगाते हैं, लव यू माँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है कि कोई बेटा अपनी माँ से इस हद तक प्यार करते हैं। वैसे बच्चे माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार जो अलग ही झलकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी मम्मी के बारे में? देखिए, माँ है तो दुनिया है, अगर पहला हम नज़र खोलें तो माँ के ही सामने, बिल्कुल बिल्कुल, बैठ के उठना सीखे तो माँ का ही उंगली पकड़ के, तो फर्ज बनता है कि जब वो लोग बूढ़ा जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, तब उन लोग का बूढ़ा पाछा से कटाना है, तो इसीलिए माँ पे ज़्यादातर हम गाना गा रहे हैं कि सब लोग के कानों कान जाए। एक मतलब एक कोई भी मर्द एक अच्छा पति बन सकता है तो अच्छा पुत्र भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो माँ बहन की कहीं भी इज्जत नहीं करते हैं, अश्लील अश्लील गाना गाते हैं, ऐसे गाना ला रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं, बता नहीं सकती।
और मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ऐसे ऐसे गाना लाते हैं। लेकिन ये शख्स है जो पहले जो भी गाते हो, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अब अश्लील नहीं गाऊंगा, और ये अपने मम्मी पापा से इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मम्मी पापा पे एक गाना ला रहे हैं। आप लोग भी कहाँ जा रहे हो, कहाँ अश्लीलता फैला रहे हो, अच्छे अच्छे गाना लाओ ना। अच्छा गाना लाओगे, अच्छा परिवेश बनेगा। अच्छा, आपने कहा कि तानिया झा की तरफ से कुछ मैसेज आते हैं या कुछ ऐसा बोलती हैं लाइव आके, या फिर कुछ ऐसे ऐसे कुछ भी आपने बोला कि बताया कि वो गालियां देती है, तो क्या मतलब क्या बोलती है तानिया झा? नहीं, वो देखिए हमको कई बार बोली वो कि औकात में रहो, कि मेरे लेबल का आओ। तो अब तो अश्लील बंद हो गया है, बंद हो रहा है ना, मतलब 70% तो समझिए कि अश्लील ख़त्म हो गया है। तो अब गाड़ी का किस्त कहाँ से दिया जाएगा तन्या झा को, और वो गाड़ी उनका भी थोड़े है। मेरा औकात निहार रही है, लेकिन औकात पैसों से नहीं होता है। और पहली बात कि वो अपने गरीबी का भी ढोंग करती है कभी कभी, या कभी कभी अमीरे बन जाती है। हम लोग ना गरीब हैं ना अमीर हैं, मिडिल क्लास से हैं। और उसको यही हम चैलेंज दे रहे हैं कि अगर इतना बड़ी हो, औकात वाली हो, तो महावीर मंदिर कभी आओ। और 1 महीना लगातार हम दोनों भिखारी को खाली खिलाते हैं, 1 महीना लगातार भिखारी को हम खिलाएंगे मंदिर पे जितना होगा। और उसको बोलिएगा, गाना में भी ये चैलेंज मतलब एक्सेप्ट की थी। आप जब बोले कि तब कब आ लेकिन रही जहां हैं। तक आप ही ये चीजें मान लिए हैं कि तान्या झा अब अश्लील गाना कम कर दी है। कम नहीं, अश्लील गाना कम नहीं की है, वो तो गाती ही है, अश्लील बोलती भी है। लेकिन अब तो जाएगी ना, भीतर जाएगी, अब तो पता चल क्यों जाएगा। भीतर जाएगी? गंदा गाना गाएगी तो सरकार जेल में ठूंसेगा, ठूंस का 4 रूल मारेगा ना जब देहिया पे, तो उसका गर्मी निकल जाएगा, अच्छा, सब भूत निकल जाएगा, भाग हाँ, जाएगा। मैंने देखा था सरकार की तरफ से, ऐसे प्रशासन की तरफ से नोटिस आई हम है। बहुत खुश हैं, अगर ये पूरा क्लियर लागू हो जाएगा तो हम सबसे पहले जाके मंदिर में मतलब 10 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, जिस दिन नोटिस फाइनल आ जाएगा अश्लील के खिलाफ। तो अच्छा, आप इधर कौन सा गाना लाने वाले हैं? एक देसी सूरी इंटरटेनमेंट है, मतलब बड़े भैया सुधीर जायसवाल जी के, वही हमको वो भी राय दिए हैं। मतलब वो भी जानते हैं कि माँ को मानते हैं, तो वही बोले कि विकास जी कि मेरे चैनल पे साफ सुथरा जितना है सब आप गाना कीजिए, अच्छा अच्छा लेवल का वीडियो बनवाइए। खेसारी भैया भी हमको बोले, 2-4 गो अश्लील बीच में गा दिए थे तो माना किए हमको। अच्छा, आप ये मान चुके हैं कि साफ सुथरा गाना अगर आप गाएंगे तो लोग आपको काम देंगे, ये चीज आप मान लिए आप? काम कोई काम हमको ना दे उससे मतलब, हमको एक अंदर यही हमको तड़पन रहता है कि पब्लिक हमको जान जाए कि हम गाते हैं, अच्छा गाते हैं, सब पब्लिक जान जाए। उसके बाद कोई काम दे या चाहे ना दे उससे कोई मतलब नहीं चलिए, रहता वो है। जो गाना आपका आने वाला है, क्या वो गुनगुनाना चाहेंगे? बिल्कुल गुनगुना, वो भी गुनगुना देंगे हम, साफ सुथरा कोई नहीं ना उठाएगा। मानत रही जनमों से ज्यादा, हद कैलू तू तो ये दादा, दिलवा पो हमारा नफरत के गोली, धाए धाए चला देले पगला पगला कही के रे पगली, सचहू के पागल बना देले। आ रहा है सब देसी सुरी बहुत अच्छा, इंटरटेनमेंट से। बहुत ही प्यारा गाना है। इनकी वॉइस में बता दूं कि इनकी वॉइस में एक अलग ही सॉफ्टनेस है, बहुत ही अच्छा गाते हैं। भगवान करे आप बहुत अच्छा करो, बहुत आगे जाओ। धन्यवाद, आप देख रहे थे बिहार टाइम्स 24।